नमस्कार किसान पशुपालक भाइयों। किसान भाइयों, आज हम एक डेयरी फार्म पे आए हैं। यहाँ पर हमने जो गाय और भैंस देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से हैं, बहुत अच्छा रख रखाव इनका है, तो हम भाई साहब से मिलाते हैं आपको। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डेयरी फार्म के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ के जानवर और यहाँ का रख रखाव कैसा है, उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो चलिए हम मिलाते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और बता दीजिए डेयरी फार्म कहाँ पर है। सर हमारा नाम पंकज वर्मा है। जी सर। ये डेयरी फार्म अम्बेडकर नगर में है। अम्बेडकर नगर गांव का नाम है, बरुआ चलाकी। जी। और पिछले 6 साल से हम जी डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये 6 साल से डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं, इन्हें काफ़ी अनुभव और तजर्बा हो गया है जानवरों के बारे में। तो थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए कि आप जब 6 साल से स्टार्ट किए डेयरी फार्म, तो कितने जानवर से स्टार्ट किया था आपने? हमने 25 जानवर से स्टार्ट किया था। 25 जानवर से गाय और भैंस मिला, भैंस मिला के। तो वर्तमान में तो आपके ज़्यादा जानवर नहीं हैं, इसका कारण क्या है? आदमी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, आदमियों की समस्या, क्योंकि ये देहात पड़ जाता है, आदमी यहाँ पे रुकते नहीं हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम लोकल आदमी रखते हैं तो आदमी भाग जाते हैं या चले गए किसी काम को बता करके और वापस नहीं आते हैं, तो मुश्किल हो जाता है, या तो खुद करना पड़ता है। तो काफ़ी समस्या इस बात की आती है आदमियों की, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के भरोसे आप नहीं कर पाएंगे डेयरी फार्म दूसरे भरोसे। हाँ, तो आप कितने जानवर तक रखे हैं अभी तक? जो हम 100 तक हमने किया। अच्छा, था 100 जानवर आप उसके बाद फिर हमको कम करना पड़ा। अभी तो आदमियों की समस्या के नाते आपको कम करना पड़ा। तो चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए इनके चारा वारा के बारे में, क्या है भूसा और हरा चारा में क्या देते हैं, कैसे देते हैं आप? हरा चारा में इसे अभी तो बरसीम का सीजन है, उसके बाद ये ज्वार आ जाएगा आपका, या अभी तो जई है, बरसीम है जी, उसके बाद जो है भूसे के साथ हम लोग मिला के देते हैं। और उसके बाद चरी का सीजन आ जाएगा जी, चरी भूसे के साथ चरी चरी भी देते हैं। चरी भी देते हैं, मतलब हरा चारा जानवरों को जरूरी भी है जी। तो चरी भी देते हैं और बरसीन वगैरह भी देते हैं जी। तो उसमें जो आपका पशु आहार वगैरह मिलाया जाता है जी, जी। तो आप खुद बनाते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं वही डालते हैं? नहीं, खुद भी बनाते हैं और मार्केट से भी आता है। अच्छा, खुद भी आप बनाते हैं और मार्केट से भी लेकर आते हैं। तो जैसे जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको क्या खुराक दी जाए ताकि अच्छी मात्रा में दूध दे? अगर दूध देने वाला जानवर है तो मान लीजिए अगर 10 लीटर वो दे रहा है तो दिन भर में उसको कम से कम 5 किलो राशन देना जरूरी है। 5 किलो राशन देना जरूरी, घर का और बाहर का दोनों मिला के, दोनों मिला के 5 केजी से कम दूध का आधा। अच्छा अच्छा, तो किसान भाइयों इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका जानवर दूध दे रहा है तो उसे चारा में जो हम देते हैं दाना, वो दाना कम से कम उसका आधा 5 किलो तो होना ही चाहिए अगर 10 लीटर दूध जानवर दे रहा है। तो ये है, तो आपके पास तो गाय, 2-4 गाय बहुत अच्छी नस्ल की हैं, तो ये गाय आप खरीद कर लाए थे या घर से बाछी तैयार हुई थी? नहीं, पहले जो गायें आई थी उसके बाद हम यहाँ पे जो वो सारी गायें निकल गई, फिर यहाँ पे सारी गायें नई हैं, यहीं की पली बड़ी। अच्छा, मतलब जो गाय आप रखे थे उसका बच्चा ये है। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या भैया आती है कि रिपीट करते हैं जानवर बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय आने पर जैसे उनका जो सीमन किया जाता है तो बार बार रिपीट करते हैं, तो इन समस्या के लिए आप क्या करते हैं? लेकिन 2-3 चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है इसमें जी, जैसे कि आप जो भी मतलब खुराक दे रहे हैं, राशन या दवा जी, राशन तो दे ही रहे हैं आप, दवा के रूप में आपको मिनरल मिक्सचर डेली देना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। एक जानवर को 50 से 100 ग्राम डेली मिनरल मिक्सचर दोनों टाइम मिला के देना है, देना पर डे का, चाहे तो उससे समय पे अपना वो जी कंसीव करेंगे समय पे, या वो दूध दे रही हो या दूध ना दे रही हो। अच्छा, दोनों स्थिति, दोनों स्थिति में आपको परमानेंट देना ही देना है। बहुत बढ़िया जानकारी है किसान भाइयों, इसको ध्यान दीजिएगा, मिनरल जरूरी है, मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है जानवरों के लिए, अगर वो दूध दे रही या नहीं दे रही फिर भी, तो समय आने पर वो उनका जो बार बार का रिपीट होता है वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जैसे प्राकृतिक ढंग से जो सीमन इनका होता है या डॉक्टर द्वारा जो MI कराया जाता है, कौन सा ठीक पड़ता है आपके समझ से इतने दिन से आप जानवर? अगर
नस्लदार साँड़ है आपके पास जी, तो उचित होगा तो उसी से कराइए, प्राकृतिक ढंग से कराइए। अगर नहीं है तो आप कृत्रिम गर्भाधान का, हाँ कृत्रिम गर्भाधान कराया जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इस समय आपकी कौन सी गाय दूध दे रही है? ये देखिए गिर नस्ल की गाय है ये, हाँ गिर करीब 18 लीटर दूध देती है। अच्छा, दोनों टाइम में 18 लीटर दूध ये दे रही है, गिरी नस्ल की है। अच्छा, और ये दो नंबर की गाय? ये गाभिन है अभी। अच्छा, इसको अभी 1.5 महीने बचा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए ये भी क्रास में है गाय, यही की गाय है ये। अभी अच्छा। करीब 15 से 18 लीटर दूध ये भी देती है जी, 15 से 18 दूध जी। और काफ़ी वेद की हो गई है, कई बार बच्चा दे चुकी है, दूसरे वेद की है ये। अच्छा, तो कुछ दुबली है, क्या बात है इसका? अब दूध देती है तो गाय थोड़ा, हाँ ये तो होता है, हाँ रख रखाव थोड़ा जो है। कुछ बीमार हो गई थी क्या ऐसा कुछ? हाँ थोड़ा बड़ा था। हाँ, तो और ये कौन सी नस्ल की गाय है आपकी? ये भी गिर गाय है, नस्ल की मतलब जी, करीब 60% होगी। अच्छा अच्छा, 65% होगी, हाँ गिर नस्ल की ये गिर नस्ल। उसके बाद एक गाय आप वहाँ पर रखे हैं? हाँ एक्चुअली उसको सीन किनारे तो उसको अलग। अच्छा अच्छा, पैर मारती है। हाँ हाँ, दूध काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, नस्लदार है, ऐसी बात नहीं है तो दूध देती होगी जी। बाकी तो आपके पास बाछी भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए, भाई साहब ने जो भैंस रखा है उसके बारे में। ये कौन सी? ये तो सींग नीचे की है, ये कौन सी नस्ल में आती है? इसका नस्ल तो मतलब मुर्रा में है, लेकिन अच्छा जो इसका दूसरे तरीके से बोलते हैं वो डूड़ी। हाँ डूड़ी, डूड़ी भैंस इसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। यही का बच्चा है ये। अच्छा, सीमन हमने कराया था तो ऐसा हुआ ये। दूध देती है वर्तमान में? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। और ये दूसरी भैंस है, ये क्या दूध देती है? कितने महीने की लगी है ये? बच्चा दिए इसको हुआ? बच्चा दिए करीब हो गया 3 महीने। अच्छा, 3 महीने हो गए। हाँ। तो दूध वर्तमान में दे रही है? वर्तमान में दे रही है, 8 से 10 लीटर दूध देती है। और दो पाड़ी आपके पास हैं? अच्छा, इसी का बच्चा है? एक इसी का बच्चा है। अच्छा, एक दूसरे का बच्चा है। अच्छा, ये मुर्रा नस्ल की है? हाँ, मुर्रा। हाँ, क्योंकि इसकी सींग बता रही है कि ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। अच्छी, और ये भी। अच्छा, दोनों भैंस? दोनों, और यही। अच्छा, हो मतलब अपने ही इसी डेयरी फार्म की पाड़ी है तो समझिए अप्रैल में कंसीव कर जी। बहुत बढ़िया है आपका डेयरी फार्म। अच्छा, अब आप थोड़ा बता दीजिए कि दूध आप क्या करते हैं, जैसे दूध जो निकाला जाता है आपका वो क्या करते हैं आप? खोआ बेचते हैं, पनीर बेचते हैं, या दूध ही सेल हो जाता है? नहीं नहीं, दूध भी सेल होता है, खोए की मशीन लगी हुई है, खोया भी बनता है। अच्छा, पनीर भी बनता है जी, यहीं से मतलब सप्लाई होती है। तो जैसे दूध आपका क्या रेट बिक रहा है यहाँ का? रेट देखिए, यहाँ का रेट जो गाय का दूध 40 रुपये है, भैंस का 55 से 60 रुपये मिल जाता है। 40 और 55 से 60। हाँ, तो रेट तो हमारी समझ से ठीक जा रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है, जैसे हमारे यहाँ ही है 30-35 रुपये जाता है भैंस का दूध, तो इस हिसाब से। और खोया क्या रेट आप बेच देते हैं? खोया 300 रुपये, 300 रुपये पर केजी। और पनीर का क्या रेट है? 280-300। अच्छा, तो चलिए किसान भाइयों, हम दिखाते हैं यहाँ पर खोया चलाया जा रहा है, कैसे बन रहा है उसको भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो गाय और भैंस का दूध होता है उससे खोया बनाया जाता है। तो खोया बनाने के लिए हमारे भाई साहब ने एक मशीन लगा रखी है, ये मशीन गैस से चलती है और नीचे मोटर लगा है जो इस मशीन को नचाता है, इस केन को, जिसमें दूध डाला जाता है। तो इसमें कितना दूध एक बार में आप डाल देते हैं? 40 से 50 लीटर दूध इसमें डाला जाता है। और कितनी देर में ये खोया तैयार हो जाएगा? 1.5 से 2 घंटे लगता है। 1.5 से 2 घंटे में, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है इसे चलाने की, नचाने की। इसमें मोटर लगा है और लगातार घुमाते रहता है, नीचे गैस जल रही है जो कि इसको पकाती है। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, और 1.5 से 2 घंटे में ये खोया बनकर 40 से 50 लीटर दूध तैयार हो जाता है। तो खोया का क्या रेट आजकल जा रहा है भाई साहब? खोया का रेट आजकल 300 रुपये चल रहा है। तो आपके पास इस समय कितना दूध हो जाता होगा लगभग? जैसे हमारे यहाँ से गाय जो दूध देती हैं और भैंस जो दूध देती हैं, और बाहर कलेक्शन। अच्छा, बाहर से भी दूध लेकर? अच्छा जी। और एक सेंटर हमारा यहाँ दरियापुर के पास में है, कलेक्शन सेंटर जी। हमारा रोज का 5 लीटर दूध। अच्छा, पास सामना भी आता है, लगभग लगभग उतना ही खत्म भी करता। तो
सारे दूध जो 5 क्विंटल दूध आपका आता है सबका खोया बनता है, पनीर बनता है या दूध भी सेल होता है? खोया, पनीर, दूध, दही, अच्छा सब कुछ सब तैयार होता है और सब मिलता है सेलिंग पॉइंट के हमारे खाद रूम में। एक वहाँ हमने देखा पांडे डेयरी फार्म करके है, तो अभी खुला है। अच्छा, दूसरा आर डी डेयरी के नाम से मार्केट। अच्छा, तो इस तरह से किसान भाइयों है हमारे पशुपालक भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी हैं और पहले इन्होंने बहुत सारा जानवर रखा था, लगभग 100 जानवर के करीब में। अब तो नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर आदमियों की, जो मजदूरों की, जो जिनको रखा जाता है सही समय पे मिल नहीं पाते, सही समय पर काम नहीं हो पाता है, इसलिए इन्होंने जानवरों को कम कर दिया है। तो ये डेयरी फार्म आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान, जय किसान।